क्या क्या पोजीशन में रहेंगे वो, वेल्डिंग करना पड़ रहा है। इस साइड अभी यहाँ पे जो बैठने वाले हैं वहाँ के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सो वी थॉट जो फेंस में लगाया उसी पीस को कट करेंगे। और यहाँ पे हमने एक 45 डिग्री कट लिया है, सिमिलरली ऊपर ऑल्सो 45 डिग्री कट, और ऐसा क्रॉस ब्रेसिंग दे देंगे ताकि लब हम बैठेंगे तो इट कैन टेक द वेट। आज एक नया दिन है, हमने अपने वीडियो देखा कि कल ऊपर वो सर्कल बिठाए थे, अभी पूरा स्ट्रक्चर हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे आगे जहाँ पे यहाँ बैठने वाला है ना, वहाँ पे हमने ऐसा सपोर्ट दिया है दो, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो अगर 3 लोग बैठते हैं तो वो वज़न नहीं ले पाएगा। और ये जो पीवीसी शीट कल दिखाया था उसको एक्चुअली ऊपर बिठाने वाला है, और उसको वहाँ पे लगा के हमने जिक्सा से कट कर दिया। फिर बाद में पता चला कि बीच में भी हमको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोई बीच में बैठता है तो बीच में से पीवीसी शीट बेंड हो रहा था, तो हम यहाँ पे एक इस साइड एक और उस साइड शिवा भी वेल्ड कर रहा है और ये करेंगे। और यहाँ पे हम नीचे जो बोल रहे थे कि एक स्टोरेज रूम जैसा बनाना है, उसके लिए हमने पत्रा लगाना चालू किया है। ऊपर तो आगे आगे जा और उठा उठते जा, तो आगे मेरी तरफ आ।
तू आदमी नहीं जल्लाद है जल्लाद। ये दो दिन के बाद का अपडेट है। उस रात हमने फाइनली ये टैंक बिठाया, ये स्ट्रक्चर और नीचे वो वाइट कलर जो मटेरियल है वो पीवीसी बिठाया है। आज का टास्क है यहाँ पे डोर बिठाना है, और वो डोर के लिए हमने ये शीट लेके आया है। थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट, उतना ही चेंज है। उसके लिए पहले हमने ये वाला पोल कट के लिया है, ये मेटल का हिंजस लेके आया है। इसको अभी इस साइड में वेल्ड करेंगे ताकि हमको राइट हैंड साइड से ऐसा ओपन कर सकते हैं डोर को, वैसा ऑप्शन मिलेगा। अगेन ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा स्क्वायर नहीं है, मतलब ये जो डोर बना रहे हैं वो एब्सोल्युटली स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये जितना टेढ़ा है उतना ही टेढ़ा हमको ये डोर भी वेल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके बिना गैप के दिखेगा अच्छे से। तो हमने दो पीस कट किया बोला ना, अभी उसको पहले हिंजेस को वेल्डिंग किया है और यहाँ पे दूसरे साइड वेल्डिंग नहीं किया है और खाली सी क्लैंप से पकड़ा है, बिकॉज़ सब साइड से वेल्ड करना है तो अच्छे से होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा लिया है। और यहाँ पे ये जो वेल्डिंग का बचा हुआ पीस है उसको गैप दिया है, सो दैट वी गेट एटलीस्ट लाइक 3 या 4 mm गैप मिलेगा, क्योंकि मेटल गर्मी में एक्सपेंड होता है तो फिर घिसना चालू हो जाएगा। तो पहले ही वो गैप रख के हम काम करवा के ले रहे हैं। अभी क्या किया है, वो नीचे का जो माप है वो लिया है, तो पहले उसको वेल्ड करेंगे, फिर सेंटर पीस एक्चुअली वेल्ड करेंगे, उसके बाद जाके ऊपर वाले वेल्ड करेंगे। तो शिवा वहाँ पे अभी वो कटिंग कर रहा है। सी क्लंप में ही बैठा है वो, तो ये सी क्लंप्स निकालेंगे और डोर को बाहर निकाल के थोड़ा जो टचअप वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है वो करके फिर हम हिंजस में वेल्ड कर सकते हैं। अभी वो लास्ट है, अभी डोर गिरने का चांस है अगर शिवा छोड़ दिया तो। बिकॉज हमारा डोर स्क्वायर नहीं है, इट इज़ ईजी टू मिस। ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है और वहाँ पे हिंजस आना है, हमने ये मार्क करके रखा है, बट इट्स ईजी टू मिस अप, इसलिए शिवा को वो बताना पड़ा। सैंडिंग करने के बाद हमने वापस डोर को बिठाया है, पर इस समय सी क्लैंप से वो हिंजस को पकड़ा है। अभी हम डोर को ओपन और क्लोज कर पा रहे हैं, तो आई कैन गो हेड एंड वेल्ड करके ये जॉइंट सब परमानेंट कर दूंगा।
अभी डोर का पूरा वेल्डिंग हो गया है। चलो डोर खोलो। एक्चुअली हमने खड़ी भी बिठा दिया बिकॉज हमने स्पेसिंग लगा के ठीक से वेल्डिंग किया, ऑल दो स्क्वायर में नहीं है, ऐसा है हमारा वेल्डिंग, ना क्लीन नहीं है, बट आई थिंक दिस विल डू, क्योंकि वो वज़न तो ले रहा है आराम से। देख लीजिए, और हमने इसका लॉक भी बिठा दिया, ये है वो लॉक लगा। ये सब वेल्डिंग किया अभी, यहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है तो हमने एक ट्रायंगल पीस रख के वो मैच किया है। आई नो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, पर शिवा भी पूरा ग्राइंडिंग करेगा, उसके बाद खड़ी बराबर हो जाएगा। एक और बार खोलो, यस। अभी इसके ऊपर ये पत्रे को बिठाना है, पर उसमें भी मेरे को सीधा काम करने का कुछ शौक नहीं है, उसको भी थोड़ा मेरे को खुद को दिक्कत दूंगा तभी जाके मन को तसली मिलेगा। हीज अ फाइनल लुक, द टैंक इज सेट एंड हियर द डोर इज सेट। द वे आई हैव डन इट इज आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्रेमिंग गैप, सो we took 1-inch L channel and we have cut it and set it on the side, and then we have insert the sheet metal or the roof on top of it. वैसे करने से क्या होता है, थोड़ा दूर से दिखने में अच्छा भी दिखता है दो sections जैसा, और थोड़ा मजबूती भी है इसमें। अंदर दिखाता हूँ अभी कैसे उसको किया है। When we open it, आप देख सकते हैं कि ये है वो L चैनल जो मैंने आपको बताया था, और उसके ऊपर खाली सेट करके ऐसा जो L पट्टी आता है उसको हमने जगह जगह पे वेल्डिंग किया, तो हर बेंड पे हमने वो L पट्टी को जॉइन कर दिया है। यहाँ पे नज़दीक में आप देख सकते हैं, सो यही यह है चीज़ वो पूरे शीट को होल्ड करके रखता है। और हमने कोने पे लगाया है तो कि कोने पे किसी ने कुछ मेटल से मारा या कुछ, तो फिर शीट मेटल बेंड होगा। और नीचे पे देखिए जो एंगल्स पे बचा हुआ पीसेस है उसको लेके हमने पूरा वेल्डिंग किया है, सो नीचे वैसे ही किया। और ये जो ब्लू सेक्शन है वो अंदर ले लिया, क्योंकि वैसे भी जब हम पेंटिंग करने वाले हैं तो बाहर का सेक्शन एक नए कलर से हो जाएगा। सो दैट्स द डोर दैट इज़ डन, यू कैन सी इट मूव्स वेरी नाइस। जस्ट एन एडिशन, हमने ऐसा हुक्स लगाए हैं तो ताकि हम हमारा टूल्स को इसमें ही टंगा सकते हैं। एंड जो हिंजेस यूज़ किया है वो 4-inch का हिंजेस है, जो कि बहुत अच्छे लोड ले सकता है। आफ्टर वी लॉक इट, जो बारिश का पानी है, बिकॉज वी हैव द कवर ऑन द टॉप, वो बारिश का पानी ऐसा अंदर से नहीं जाएगा, इसलिए आपको लगेगा कि यहाँ पे गैप्स दिख रहा है, बट द रेन वाटर विल नॉट गो इनसाइड। और यहाँ से जो पानी गिरने वाला है वो ऐसे जाके नीचे सीधा ज़मीन पे चले जाएगा, तो यहाँ पे भी वो पानी जाने का प्रॉब्लम नहीं है। ये डिज़ाइन हर जगह पे यूज़ होगा ऐसा बता नहीं सकता हूँ, पर इन दिस सिचुएशन इट फेल्ट वेल, और मेरे को ऐसा एक अच्छा से डोर मिला, बहुत पसंद आया। लेट्स टेक अ लुक ऑन द इनसाइड। अभी इनसाइड में आप देख सकते हैं इतना कोजी हो गया है, और यहाँ पे हमने एल चैनल जो 40x40 का एल चैनल को हमने वेल्ड किया और एक शेल्फ बना दिया, और यहाँ पे दूसरा एक शेल्फ बनाया जिस पे स्टेबलाइजर बिठा है, यहाँ पे बोर का स्टार्टर लगाया है, वो सब चीज़ इस पे सेट हो गया है। और जब वेल्डिंग का काम सब कुछ हो जाता है, पीपल लोड ऑल दिस थिंग्स एंड वी जस्ट लॉक इट अप।
सो टैंक के नीचे, ये टंकी के नीचे ऐसा एक जगह हमने बनाया. इट वॉज़ अ गुड थाट एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपन. अभी हमको एक स्टोरेज रूम मिल गया है. सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा. ये बनाने के लिए हमको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हुए एंड दैट्स वाई द वीडियो इज़ ऑल्सो प्रिटी लॉन्ग. ये 30 मिनट का वीडियो है पर हमने सब पॉइंट्स कवर किया है, फ्रॉम राइट फ्रॉम मेकिंग द फ्रेम टू पुटिंग अप द टैंक एंड बिल्डिंग द स्टोर रूम. ऐसा बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे होने वाला है. हमारा घर खुद का बनाने वाले हैं एंड दैट इज़ इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन. सो आई होप यू विल स्टिक अराउंड टिल द एंटायर सीरीज. और जो दूसरा चैनल है जहाँ पे ये ज़मीन के बारे में बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. सो प्लीज़ चेक दैट आउट एंड आई as always request your support and please share this video with your friends. I hope to see you or ek video mein. Until next time please follow Kalakar Maker Space and thank you for watching. Bye bye.